हेलो गाइस, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और अगर बढ़िया नहीं हो तो भाई साहब ये गेम पे देख के आप बढ़िया होने वाले हो। और फिलहाल देखो भाई, नया सीजन आ चुका है, बिल्कुल फ्रेश सीजन है, आज ही लॉन्च हुआ है भैया। और जहाँ तक मुझे आप लोगों ने रॉयल पास ले लिया होगा, चलो वो सब बात की बात है, अच्छी बात है अगर आपने रॉयल पास ले लिया। और अगर नहीं लिया है तो भैया ले लो भाई, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग आउटफिट्स आई हैं और कमाल की चीज़ें। बस पैन की स्किन थोड़ी टिटी है और कुछ सब और सब बढ़िया है। अब फिलहाल देखो यार, इस गेम की मतलब खास बात यह है, मैंने उनके लिए बनाई है जो कि करना चाहते हैं भैया रैंक पुशिंग। अब रैंक पुशिंग में क्या होता है, उन्हें लगता है कि भाई कोई ऐसा वेपन बताओ जो मिड रेंज में भी अच्छा हो, क्लोज रेंज में भी अच्छा हो, बस ड्रॉप तक हमें न जाना पड़े। तो भाई आज ये गेम प्ले उसी के ऊपर बेस्ड है। अब फिलहाल देखो, हम कूदे मिलिट्री बेस और भाई हमारे साथ कुछ बंदे भी कूदे हैं। अब फिलहाल मैं इस तरफ आता हूँ, मेरे को एक बॉर्ड दिख गया था और मैं से पूरा नॉक प्लस फिनिश कर देता हूँ। अब कहने का मतलब, इस गेम में सीन कुछ ऐसा है कि मैं यूज़ करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ एसएमजी गन, समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो ना। हाँ, तो एसएमजी गन्स मतलब यानी कि एक ऐसा वेपन जो क्लोज रेंज में तो अच्छा है ही, अभी मैं आपको इसका स्प्रे भी दिखाऊंगा, ठीक है, इस गेम में, ठीक है। अब यार इसे आप मेरे लिए चैलेंज मान लो और अपने लिए रैंक पुशिंग का एक हथियार, बहुत ही अमेजिंग हथियार मान लो, क्योंकि यार बहुत ही अमेजिंग मतलब सीन इसमें आने वाले हैं। फिलहाल की बात करें तो यार हम उन बंदों पर रश करने आते हैं जो भाई लेट कूदे थे यहाँ पे, हमने आपको दिखाई था पहले, इसमें मैंने M4 का स्प्रे दिया था और उससे मैंने हल्का फुल्का डैमेज ले लिया था, आइए, ठीक है। अब यहाँ पे बंदे हमें आसानी से वाले तो है नहीं, क्योंकि भाई ये बंदे रफू चक्कर हो चुके हैं टावर की तरफ। मैं जैसे इस तरफ आता हूं भाई, मेरे को टावर बंदे स्पॉट हो जाते हैं और देखो मैं उन पे थोड़े से शॉट लेने की कोशिश करता हूं। खैर मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ पे एसएमजी थी और अगर इसकी एक दो गोलियां और कनेक्ट होती तो शायद बंदा नॉक हो भी जाता। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड करा, मैंने पहले सोचा कि रुको जरा सबर करो, पहले इसका दूसरा बंदा कहाँ है वो पता लगाया जाए, और लग यहाँ उसका दूसरा बंदा भी दिख जाता है। तो अब देखो भाई हमने मिड रेंज से ही कैसे नॉक करने वाले हैं, मतलब देखते हो कमाल हो जाएगा यार। अर्न पिकाचू का 90 का शॉट तो खाया था और एक बॉडी शॉट से भाई साहब वो नॉक हो गया। तो फिलहाल देखो भाई साहब हमें से पुश करने वाले हैं और यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक गजब का IQ, प्यारा खतरनाक जबरदस्त भयंकर ग्रेनेड। अब पहले तो खैर ज़्यादा बोल दिया, वो चीज़ अलग है। अब देखो अच्छे गन्स तो मैंने बता दिए भाई, अब बारी है भाई अगर आपको अच्छे ग्रेनेड करने भी आते हो तो सोने पे सुहागा है, मैं सही बता रहा हूँ। रैंक पुशअप अगर आप कर रहे हो तो ज़्यादातर बंदे कोशिश करते हैं थोड़ा सा मिड रेंज फाइट लेने से, मतलब क्लोज रेंज नहीं घुसना चाहते, मिड रेंज फाइट लेते हैं या फिर भाई साहब ग्रेनेड वगैरह के थ्रो करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक ग्रेनेड ओपी वाला, फिर बंदा नॉक, और देखो भाई अगले बंदे को हम कैसे मारेंगे। पर इस टीम का तो सफाया हो गया और स्टार्टिंग में मैंने कुछ फायरिंग साउंड सुने थे तो उस हिसाब से मेरे को पता था कि भाई मिलिट्री बेस में अब भी एक डुओ और भी है। अब मेरा शक तब दूर हुआ जब भाई मेरे को भाई खिड़कियों की तरफ से भाई दो बंदे लेटे हुए दिख गए सेंटर वाली बिल्डिंग में, ठीक है। तो मैंने पिकाचू को साफ साफ कह दिया भाई ऊपर मत आइए, नीचे ही रहे, क्योंकि मैं भी उतर रहा हूँ, क्योंकि सेंटर वाली बिल्डिंग में बंदे आ चुके हैं। और अब देखो तुम्हें मैं फिर से एक नमूना दिखाऊंगा कि भाई वेक्टर जैसी गन को भाई मिड रेंज के लिए कैसे यूज़ करा जाए, मतलब उसे लगातार स्प्रे नहीं दिया जाता, उसे कुछ इस प्रकार से मारा जाता है। तो फिलहाल भाई ये नॉक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि भाई डायरेक्ट स्प्रे दोगे भाई तो भाई वो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर आप रिकॉल कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और फिलहाल देखो एक ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे लगा शायद से ऊपर एक बंदा है। फिर मैं तुम्हें सही बताऊँ यहाँ पे एक पॉट की एंट्री हो चुकी है और उस चक्कर में हम बहुत यहाँ पे कंफ्यूज हो चुके हैं, पर जो भी था भाई ये बंदे रिवाइव हो चुके हैं। और भाई अब देखो हमें मतलब कैसे मारेंगे, किस तरीके से मारेंगे, क्योंकि भाई डायरेक्ट फाइट तो हम अभी भी लेना चाहते थे। अच्छा मैं तुम्हें कुछ बातें और समझाता हूँ कि अगर आप किसी बिल्डिंग वगैरह में हो तो अपनी पोजीशन बदलते रहो हमेशा, जो कि ये बंदे भी कर रहे थे, मतलब इन्होंने हमारे सारे के सारे ग्रेनेड वेस्ट करा दिए। और दूसरी बात यह कि अगर आप अपने आप को ऐसी पोजीशन में रखें जिससे आप यह ऑप्शन हो कहीं भी निकलने का, तो वो ज़्यादा बेटर है। अब कहने का मतलब ये, मतलब अपने आप को ऐसी पोजीशन में कभी ना डालें जहाँ से आप ऑप्शन वाइज निकल ही ना पाओ, यानी कि ब्लॉक हो जाओ, जैसा कि इन बंदों ने करा। अब यार यहाँ पे एक बंदा नॉक है और दूसरे वाले को मैं ऐसे बता रहा हूँ बहुत हल्के में ले आता हूँ। खैर मुझे लगा था भाई ये बंदा शायद से नहीं निकलेगा, लेकिन भाई इनने बहुत जल्दी रश कर दिया हम पे। खैर फिलहाल जो भी था यार हम बच चुके थे और भाई अब मिलिट्री बेस में कोई नहीं था।
अब अगर तुम पॉइंट नोट करते जा रहे हो तो मैं तुम्हें एक आधी पॉइंट और बता देता हूँ। उनमें से एक पॉइंट ये भी बहुत मैटर करता है कि आप अगर किसी ड्रॉप वगैरह पे जाते हो तो थोड़ा सा लेट जाओ या फिर भाई मत ही जाओ। मैं वही प्रेफर करूँगा। अभी देखो यार, राइट साइड में एक ड्रॉप गिरा हुआ है और भाई हम थोड़ा सा लेट जा रहे हैं यहाँ पे। इससे क्या हुआ कि भाई जो भी वहाँ पे बंदे पहले पहुँचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, पहले एकदम से घुस जाते हैं रश करने के हिसाब से, तो यार वो बंदों की फाइट की आप हो जाए जब वो बंदे लड़ भिड़ रहे हों, तो उसके बाद आप एंट्री करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। और वैसा ही हमने किया यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे ये सीन था कि यहाँ पे एक डुओ ने दूसरे डुओ को भाई ख़त्म कर दिया पूरा, और एक डुओ का भाई साहब एक बंदा नॉक पड़ा हुआ था जिसे वो रिवाइव दे रहा था स्मोक करके, लेकिन भाई हम पहुँच गए और हमने इसका सफाया कर दिया और भाई किल अपने नाम कर लिया। अब फिलहाल देखो मेरे को यहाँ पे 3x भी मिल चुका है, और इसके बाद हम जैसे यहाँ से गाड़ी लेकर रवाना होते हैं तब भी देखो भाई एक डुओ की एंट्री और जाती है, और चलती गाड़ी में से स्प्रे देना वेक्टर का भाई कमाल ही है। बस आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। फिलहाल देखो इनका सीन क्या है। अगर यहाँ पे भाई हमारी गाड़ी में से धुआं बहुत ज़्यादा निकल चुका था और इनका एक बंदा नॉक भी था, तो फटाफट मैंने हील करी। और अब देखो भाई हम फिर से भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने आपको बहुत बार समझाया इस गेम में कि ना जितने ग्रेनेड का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिलहाल देखो मैं डायरेक्ट पुश करने की बजाय भाई साहब, जबकि एक बंदा उनका नॉक है तब भी मैं हल्के में नहीं ले रहा हूँ उन्हें। मुझे पता है भाई डुओ में कुछ भी हो सकता है कभी भी। अब यहाँ पे पिकाचू ने एक बंदा नॉक कर दिया और दूसरा बंदा मैंने नॉक कर दिया ग्रेनेड से, तो कुल मिलाकर ये टीम भी खत्म हो गई। अब फिलहाल भाई इनके पास मेरे को थोड़ी बस SMG की एमओ मिल जाती है, और मैं अपनी गाड़ी लेकर फिर से रवाना हो जाता हूँ और बंदों की तलाश में। तभी देखो अब हमारे पीछे भी बंदे हैं और हमारे आगे भी बंदा है, ठीक है। तो अब देखो भाई सैंडविच सिचुएशन में से हम कैसे निकलेंगे। और थोड़ा सा एक अच्छा गेम प्ले आपको भाई कहीं से भी निकाल सकता है किसी भी सिचुएशन में से। अब ये बंदा बहुत चालाक था, इसने भाई देखो मतलब निकलता जा रहा है, पीछे हटता जा रहा है और ग्रेनेड थ्रो करते जा रहा है। पर भाई इस बंदे का हमने सफाया कर दिया, और देखते देखते पीछे से बंदे जो भाई दूसरी गाड़ी थी वो हम पे भीरस कर जाती है। और अब देखो भाई ग्रेनेड का कमाल ही कमाल। अब यहाँ पे जैसे ही पहला बंदा नॉक हुआ ग्रेनेड से, मैंने भाई रश करने में बिल्कुल देरी नहीं लगाई, क्योंकि जब किसी भी टीम का अगर कोई टीममेट नॉक होता है तो भाई वो बहुत ही पैनिक सिचुएशन में हो जाता है, और वो एक बहुत बढ़िया मौका होता है आपको भाई रश करने के लिए। अब फिलहाल देखो जोन में सिर्फ और सिर्फ दो बंदे बचे हैं, और हम अपनी गाड़ी घुमा रहे हैं भाई उन्हें ढूंढने के लिए। और फाइनली जब हम इस तरफ जा रहे होते हैं तो मेरे को लेफ्ट साइड पहाड़ पर भाई बंदे लेटे हुए दिख जाते हैं। अब कहने का मतलब वो लोग भाई बहुत ज़्यादा हाई ग्राउंड उन्हें पकड़ रखा था, तो उस हिसाब से भाई अगर आप लो पे हो तो आपको लो वाले बड़े आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे उन्हें बड़े प्यार से स्पॉट कर लिया और अपनी गाड़ी लेके इसमें रश कर दिया। अब यहाँ पे फिर से एक मौका नमूना दिखाऊंगा आपको कि स्टेबल गन कितनी ही है वेक्टर भैया। तो यार फाइनली हो चुका है एक और विनर चिकन डिनर। तो यार गेम प्ले कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो, आपने कुछ भी सीखा हो इस गेम प्ले में से, तो भाई साहब एक लाइक का बटन छोड़ देना, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब तो कर ही दो ना भाई। और हाँ, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, चाहे रैंक पुशिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी और मतलब टॉपिक के रिगार्डिंग, मतलब पबजी से ही रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि भाई आप बोलो कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो, भाई वो सब मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको पबजी से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, भाई ID मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मैंने। और फिलहाल मैं इतना ही बोलूँगा कि यार नया सीन आ चुका है, सबको बेस्ट ऑफ लक जो भी रैंक पुशिंग कर रहे हैं। जय जिंदाबाद भाई, जय पबजी, और भाई कॉइन का पुश करते रहो। तो फिलहाल मिलते हैं वीडियो, तो हैव अ नाइस डे गाइस, लव यू ऑल, स्टे एट होम, स्टे सेफ।